नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी लेके आई हूँ। और ये कहानी है एक हरे रंग की मेढक की। और बच्चों, मेढक का रंग क्या होता है? हरा। और वो कैसे बोलता है? टर टर, है ना? आप लोगों ने सुनी है उसकी आवाज? मेढक ऐसे ही बोलता है। तो आपको मैं पहले मेढक के बारे में थोड़ा बताती हूँ। मेढक एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन का मतलब वो पानी और जमीन दोनों पे रहता है और दोनों के फायदे उठाता है। मेढक बहुत लंबी छलांग लगा सकता है और मेढक अपने मुंह और त्वचा दोनों से सांस लेता है। मेढक की आंखें बहुत तेज होती हैं, वो बहुत दूर तक देख सकता है। मेढक हर जगह पाए जाते हैं, बहते पानी में, रेगिस्तान में, यहाँ तक कि आर्कटिक में भी। मेढक की जीभ एक सिरा चिपचिपा होता है, जिससे उसे खाना जैसे कीड़े आदि पकड़ने में मदद मिलती है। तो आइए हम सुनते हैं मेढक की एक अनोखी कहानी। क्या आप तैयार हैं? चलो सुने डड्डू की एक नई कहानी। डड्डू निकली देखने दुनिया। यहाँ डड्डू कौन है? हमारी हमारी प्यारी मेढक। डड्डू खुशदिल मेढक थी। वह एक तालाब के किनारे अपनी माँ के साथ रहती थी और सारा दिन अपने दोस्तों के साथ खेलती थी। एक रात वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आकाश को देख रही थी, यह सोचते हुए कि हर दिन एक जैसा है। तभी उसे एक ख्याल आया, क्यों न बाहर निकलकर दुनिया देखी जाए और ढेर सारे नए दोस्त बनाए जाए। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही वह उठी और चुपचाप फुदक कर बाहर आ गई। वाह, कितना मजा आ रहा था। डड्डू कूदती फांदती और उछलती हुई आगे चली। अचानक उसे एक विशाल काला सांप दिखा, एक पेड़ की टूटी डाल से लिपटा हुआ। हेलो, डड्डू ने कहा, तुम अकेले क्या कर रहे हो? उस विशाल काले सांप ने पूछा। मैं दुनिया देखने निकली हूँ, डड्डू ने वापस जवाब दिया। काश मैं तुम्हारे साथ जा सकता, सांप ने कहा। कुछ देर बाद वह एक तालाब के किनारे आ पहुंची और उसने क्या देखा? तालाब के किनारे, जिस छोटे से तालाब में वह अपनी माँ के साथ रहती थी, ये तो उससे बहुत बड़ा था। छपाक, डड्डू पानी में कूद गई। आह, कितना ठंडा पानी था। तभी दो सारस छप छप करते हुए उसके पास आए, हेलो कह के दिल बहलाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने डड्डू से बात करने के लिए अपने मुंह खोला, अई माई, डर के मारे डड्डू बोल पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं और एक छलांग लगाई। बहुत बड़ी थी वह छलांग और वह जमीन के एक सख्त टुकड़े पर आ गिरी। हुश, डड्डू ने कहा, बच गए। लेकिन क्यों बच्चों? क्योंकि सारस डड्डू को पकड़ने जा रही थी खाने के लिए, इसलिए डड्डू ने अपने आप को छलांग लगा करके उस सारस पक्षी से बचाया। और बच्चों, पता है वो सारस से बच के कहाँ गिरा था? वह गिरा था एक घड़ियाल के पास। घड़ियाल यानी एलिगेटर। ठीक सामने दो आंखें उसे घूर रही थी। हेलो, मैं घड़ियाल हूँ, घड़ियाल ने कहा, एक मुलायम पिचपिची मुस्कान। माफ करना, टड्डू ने हिचकिचाते हुए कहा। किस लिए? घड़ियाल ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। खेलना चाहती हो? नहीं, थैंक यू, डड्डू ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, घबराते हुए जवाब दिया। और वह तेजी से कूदती फुदकती आगे चल पड़ी। अब क्या मिला डड्डू को? धीरे धीरे आकाश में बादल छाने लगे और तेज हवा बहने लगी। डड्डू को एक टिड्डा दिखा जिसे हवा उड़ा ले जा रहा था। वह उस छोटे से टिड्डे की मदद करना चाहती थी ताकि उसे चोट न लग जाए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती या कुछ कर पाती,
वह कीड़ा न जाने कहाँ गायब हो गया। क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी ना बच्चों, थोड़ी देर में बारिश होने लगी। डड्डू ने आसपास नजर दौड़ाई और उसे एक बड़ा मशरूम दिखाई दिया। वो जल्दी से फुदक कर उसके नीचे छिप गई। पानी बरसा और बरसता ही चला गया। बाय बाय नन्ही डड्डू, सूरज ने पहाड़ी के पीछे से खिसकते हुए आवाज लगाई। अब शाम होने वाली थी तो सूरज जा रहा था और बादल छाई हुई थी। मैं घर जाना चाहती हूँ, डड्डू बोली। अब डड्डू को डर लग रहा था क्योंकि वहां रोशनी नहीं थी और बारिश हो रही थी, पर वह तो न जाने कहाँ थी। उसे अचानक लगा कि वह कितनी अकेली है और घर से इतनी दूर, और माँ माँ कहाँ है। अब डड्डू को उसकी माँ की याद आने लगी। तभी उसे दिखा एक मलमली पंखों वाला ड्रैगन फ्लाई एक पौधे पर अकेला बैठा हुआ। डड्डू ने धीमी आवाज में कहा, हेलो ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई ने उसको वापस जवाब दिया अपने पंख फड़फड़ाते हुए। कितनी अच्छी और नाजुक हो तुम, डड्डू बोली। क्या तुम मेरे घर का रास्ता ढूंढने में मेरी मदद करोगी। डरो मत छुटकी, ड्रैगन फ्लाई ने कहा, मैं तुम्हें घर तक ले जाऊंगा, मगर तुम यह वादा करो कि तुम फिर कभी अकेली बिना बताए कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि यह जो हमारी मेढकी है डड्डू, ये इसने तो अपनी मम्मा को कुछ बताया ही नहीं है और वो अकेले निकल के आ गई है। इसलिए ड्रैगन फ्लाई उसको बोल रही कि प्रॉमिस करो मैं तुमको तभी घर वापस छोड़ूंगी जब अगली बार से तुम अपनी मम्मा को बता कर आओगी, क्योंकि तुम अब तो ये डड्डू रास्ता खो चुकी है तो वो घर कैसे जाए, है ना परेशानी वाली बात। तो डड्डू ने प्रॉमिस किया कि हाँ आगे से वो अपनी माँ को बता के आएगी। जब डड्डू घर पहुंची, अंधेरा हो चुका था और सब तरफ खामोशी थी, पर यह उसका अपना तालाब था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक उठी। उसकी माँ और सारे दोस्त उसकी तरफ फुदकते हुए आए। डड्डू खुश थी, वह आखिर घर जो आ गई थी। तो ये थी डड्डू की मजेदार कहानी। क्या आपको मजा आया? लेकिन हमने एक बात सीखा कि अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें अपनी मम्मा पापा सबको बता के जाना चाहिए, है ना, अपने बड़ों से पूछ कर जाना चाहिए और उनको मालूम होना चाहिए कि हम कब कहाँ पर हैं, है ना बच्चों। तो अब हम आगे से अपने अड़ोस पड़ोस जहाँ भी खेलेंगे हम अपने मम्मी पापा से पूछ के जाएंगे। और डड्डू की तरह आपको भी कुछ नया दिखता है तो आप जरूर उसको देखें और बताएं कि आपको कैसा लगा, और अपनी मम्मी पापा से सारी बातें शेयर करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली कहानी में मिलेंगे। थैंक यू।